तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसा कि मैंने अभी कल बताया था कि जैसे वन यू एस 6.1 के अपडेट के बारे में, आज मैं आपको बताने वाला हूँ S24 अपडेट। S24 में आप बोल सकते हैं जिसमें वन यू एस 6.1 का अपडेट आ चुका है, उसके अंदर कमाल के नए AI फीचर्स एड ऑन किए गए हैं, जिसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बता रहा हूँ कमाल के AI फीचर जो कि आफ्टर वन यू एस 6.1 मिलेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आ गया अपनी गैलरी पे और मैंने अपनी एक कोई सी भी फोटो को यहाँ पर चूज कर लिया। तो सबसे पहला जो फीचर दिया गया है इसी के अंदर लाइव फोटोज का या लाइव इफेक्ट्स का, जो कि बहुत शानदार लगता है। आप ऊपर की स्वाइप करेंगे तो पहले तीन ही ऑप्शन आते थे, अब आपको यहाँ पर चार ऑप्शन, आपको हो सकता है चार ऑप्शन हो, मेरे पास तीन ही आ रहे हैं। पहले ये दो ही आते थे, बैकग्राउंड इफेक्ट और रिंग मास्टर। अब आपको यहाँ पर लाइफ इफेक्ट का ऑप्शन दे दिया गया, आपको इस पर क्लिक करना है। इससे क्या कर सकते हैं, जो आपके पीछे का बैकग्राउंड है ना, उसको वहां पर एक अलग से डिजाइन बना के दिखाएगा और बहुत ही शानदार आपकी फोटो को क्रिएटिविटी दे सकता है। आप देख सकते हैं फोटो देख रहे हैं आप कितनी शानदार तरीके से बना दी है, जूम इन जूम करके। अगर आपकी नॉर्मल ये फेस क्लियर नहीं है तो ऐसी आ रही है, अगर आपका फेस वाला हो लाइक ये मेरी फेस है, अगर मैं इसको अप करूं तो आप देख रहे हैं पीछे का बैकग्राउंड आपको हिलता हुआ दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप अपनी फोटोज को लाइव इफेक्ट्स में डाल सकते हैं और बहुत ही काम का ये वाला फीचर है। अब बात करें सेकंड जो फीचर की, वो भी गैलरी के अंदर है, वो भी बहुत ही कमाल का है। अब वो फीचर ये है कि अब आप क्या कर सकते हैं, अपनी फोटो को आप यहाँ पर अलग से पोर्ट्रेट इफेक्ट डाल सकते हैं। लाइक कैसे, तो पोर्ट्रेट स्टूडियो में चले जाना, यहाँ जाने के बाद आपको ये इफेक्ट्स मिल जाएंगे, 3D वेदर, वाटर कलर, 3D इफेक्ट्स, स्केच, जो फोन में भी आपको अपने फोटो को या अपने फेस को वहां पर डिटेक्ट करना है, आपको उस पर क्लिक कर लेना है और उसके हिसाब से आप अपने फोटो को यहाँ पर क्लिक करके उसका डिजाइन कर सकते हैं या फिर उसके अंदर इफेक्ट्स डाल सकते हैं, पोर्ट्रेट स्टूडियो इफेक्ट्स, जो कि काफी शानदार लगते हैं। मतलब अपने मोबाइल में फोटोज का अगर आप शौक लगते हैं ना, तो आप इस तरीके से इसको रीडिजाइन कर सकते हैं और बहुत ही शानदार आप अपने फोटोज को यहाँ पर आप क्लिक कर पाएंगे। तो सेकंड फीचर यही था। अब बात करें थर्ड फीचर की, जो कि AI से रिलेटेड है, वो भी बहुत ही शानदार है। वो फीचर ये है, अब आप क्या कर सकते हैं, लाइक अगर आपके पास जैसे मान लो इतनी सारी न्यूज़ है, हमें कोई फोटोज को या किसी को भी सेव करना है तो हमें बहुत दिक्कत होती थी, अब इसमें एक चीज ऑप्शन दे दिया गया है आपको। आप यहां से यू करेंगे ना तो आपको इसके अंदर दो ऑप्शन दे दिए गए, एक AI के ऑप्शन दिख रहे हैं ना आपको एज के अंदर, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो पूरी फोटो को आपको ले लिया उसने, मतलब पूरे स्क्रीन को वहां पर कैप्चर कर लिया। अब जिस चीज को भी आपको सेव करना है तो आपको उस पर टैप कर देना है, बस उस चीज को वो क्लिक कर लेगा। आप देख रहे हैं पूरा ऐड टू नोट, शेयर, सब कुछ बता रहा है। फोटो होगी तो फोटो को क्लिक कर लेगा। तो इस तरीके से आप इसमें AI के मोड से बहुत ही शानदार तरीके से स्मार्ट सेलेक्ट से अपने फीचर को यूज कर सकते हैं। इसमें एक फीचर और दिया है ये वाला। अब इसमें क्या है, आप कोई भी चीज को ड्रॉ करेंगे वो आपको वहां पर बता देगा आप कैसे ड्रॉ करेंगे। लाइक मैं ऐसा ड्रॉ करके देखते हैं, लो वो आपको बता रहा है ड्रॉ समथिंग, आप कुछ ड्रॉ करके देखो। अब मैं ड्रॉ करके देखता हूँ, भाई मुझे ड्राइंग मेरी बहुत बेकार है यार, मुझसे ड्राइंग व्राइंग नहीं होती। मैंने नॉर्मली इसे ड्राइंग करके देख ली, अब देखो क्या डिजाइन करता हूँ। कुछ इस तरीके से इमेज बना के बता दिया उसने, जो भी मैंने बनाया था उससे रिलेटेड उसने कुछ भी बना दिया। तो आप यहाँ पर जो भी बनाएंगे ना उससे रिलेटेड वो आपको खुद सजेस्ट करके बताने वाला है। तो ये फीचर भी AI का बहुत ही कमाल का है, मतलब बहुत ही शानदार फीचर है AI का। तो यहाँ पर आपको वॉइस रिकॉर्डर के अंदर भी बहुत शानदार ऑफर मिल गया है कि अगर आप जो बोलेंगे ना वो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके बता देगा और ऑटो लैंग्वेज वो आपके सेलेक्ट कर लेगा कि किस लैंग्वेज में आप बोल रहे हो, वो उसको ऑटोमेटिक उसको कन्वर्ट करके बताएगा। अब कैसे काम करता है तो उसको देख लेते हैं। जैसे मैंने इसको अलाउ कर दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो इफेक्ट्स के लिए। मैंने यहाँ पर गया उसको ट्रांसक्राइब पे क्लिक कर दिया, अब वो ट्रांसलेट करके बता देगा पूरी मेरी जो ऑडियो है ना, उस ऑडियो में जो मैंने बोला है उससे रिलेटेड वो पूरा ट्रांसलेट करके बता देगा और उसके अंदर क्या है सब आपको बता देगा। मतलब बहुत ही शानदार है यार, अगर कोई आपके पास कोई ऑडियो है आपको उसको कैप्चर करना है और उसको अपने टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो ये फीचर बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे से ये वर्क करेगा। आप देख सकते हैं
मैंने हिंदी में बोला था तो उसने हिंदी में पूरा उसको कन्वर्ट कर लिया। आप देख रहे हैं पूरा हिंदी में कन्वर्ट करके उसने बता दिया। और आप चाहें तो समरी में जाएंगे तो उसका जो भी मैंने बोला है उसको पूरा समरी में क्रिएट करके भी बता देगा। तो ये पूरा काम AI के रूप में हो रहा है और AI के रूप में वो आपको बता रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये काम करता है। अब इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद बात करें लास्ट फीचर की जो कि है, आपको इसके अंदर सैमसंग कीबोर्ड में एक और ऑप्शन दे दिया गया, जैसे आप अपने मोबाइल में किसी को भी कुछ भेज रहे हो ना तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सैमसंग कीबोर्ड में एक और कमाल का फीचर दे दिया गया जिसका नाम है कंपोजर। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपको सिर्फ टॉपिक डालना है कि मुझे किस रिलेटेड से मैं किसी को कुछ मैसेज भेज रहा हूँ और उससे रिलेटेड आपको वो फीचर खुद ही बता देगा। चाहे मैंने लिख दिया यहाँ पर, मैं सैमसंग गैलेक्सी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ लिखना चाह रहा हूँ, सैमसंग गैलेक्सी फीचर्स, ठीक है मैंने लिख दिया स्टैंडर्ड करके। उसमें आप फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं किस लैंग्वेज किस मोड में आपको लिखना है, स्टैंडर्ड या आपको फॉर्मल या कुछ भी चीज जो भी आपको करना हो उस हिसाब से आप वहां पर सेलेक्ट कर लो और उससे रिलेटेड आपको वो बता देगा। आप देख रहे हैं उससे रिलेटेड बता देगा, आप कॉपी इंसर्ट जो भी करना हो। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कंपोजर के अंदर तो आपको स्टैंडर्ड जैसे ईमेल लिखना है तो ईमेल, सोशल मीडिया के लिए सोशल मीडिया, पोलाइट लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए आपकी वो यहाँ पर आप चूज करके यहाँ पर आप कुछ भी जो लिखेंगे उससे रिलेटेड आपको वहां पर आंसर मिल जाएगा। तो ये कमाल के कुछ AI फीचर्स जो कि आफ्टर 1.6.1 एड ऑन किए गए। इसके बाद मैं आपको एक एक चीज फीचर बताने वाला हूँ जो कि लास्ट अपडेट में चेंजेस किए गए हैं। सब धीरे धीरे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो आती रहेंगी, लॉन्ग वीडियो इसलिए नहीं बनाएगी, लॉन्ग वीडियो में लोग बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं। तो धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियोज में आपको सारे फीचर्स पता रह जाएंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अगर चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।